सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा की सभी गाड़ियां, नॉट जस्ट टाटा नेक्सॉन बट टाटा की जितनी भी गाड़ियां अभी मार्केट में हैं, वो किस तरह से और क्यों पीपल्स फ्रेंडली कार हैं और क्यों सबसे ज़्यादा लोग इसे अभी खरीद रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी यहाँ पे हमने कप होल्डर्स और पेन होल्डर्स और कार्ड होल्डर्स हमें जो गाड़ी के अंदर मिलते हैं, उनके एडिशन में आपको और जो इनफैक्ट जो गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस जो गाड़ी के अंदर का है, उसके अलावा आपको गाड़ी में टोटल 7 होल्डर्स और मिलते हैं। अब हर एक होल्डर जो है वो कम से कम 3 kg तक का लोड लेने के लिए बना हुआ है। तो आपको जो फर्स्ट होल्डर गाड़ी के अंदर मिलता है वो होता है यहाँ पे, ये जो आपको ये हुक दिख रहा है, इस पे ऑलमोस्ट 2 kg का वेट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे आपको यहाँ से दबाना है और ये ऐसे खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपना छोटा मोटा जो भी 2 kg तक का सामान आप इस पे आराम से लटका के गाड़ी आगे कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो ये फ्रंट पैसेंजर के लिए, फ्रंट पैसेंजर के टो के पास, आप मतलब लेग के पास आपको यहाँ पे मिलता है। अब वो तो हुआ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको एक तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ लेगरूम मिलता है। ये जो फ्रंट सीट है, ये ड्राइवर सीट है, ये मेरे हाइट पे एडजस्टेड है, तो भी आपको देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है। अगर मैं बैठ जाऊँगा तो भी मेरे पास नी रूम बहुत ज़्यादा है। तो इसके एडिशन में जो रेयर पैसेंजर्स को लगेज लटकाने के लिए या लगेज रखने के लिए जो हुक्स मिलते हैं, उनकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। एक है यहाँ पे, ये जो बी पिलर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, एक होल्डर यहाँ है और एक होल्डर यहाँ है। ये दोनों ही ये तो आपको ऑलमोस्ट मतलब हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम यहाँ खाना वाना जितना भी होता है, चिप्स के पैकेट, फ्रूट्स, जो भी, हम सब कुछ यहाँ पे लटकाते हैं। और यहाँ पे हम यूजुअली अपना जो कोट या ब्लेज़र कुछ हम लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लटकाते हैं। तो ये दोनों होल्डर्स, ये होल्डर तो काफ़ी वेट लेने के लिए बना हुआ है। इस पे आप यूजुअली जो आपके कोट्स या ब्लेज़र्स हैं आप इस पे लटका सकते हैं। सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड पैसेंजर के पास भी सेम हुक्स मिलते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये हो गया रेयर पैसेंजर्स के लिए। अब देखते हैं टाटा नेक्सॉन के बूट में आपको कितना स्पेस मिलता है। इन एडिशन टू जो गाड़ी का बूट कैपेसिटी है, जो कम से कम 300-500 liters के आसपास हो जाता है अगर आप सीट को भी डाउन कर देंगे तो आपको इन एडिशन टू दैट, ये इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 holders मिलते हैं जो कम से कम 3 kg का वेट ले सकते हैं दोनों। तो मतलब टोटल 6 kg यहाँ और सिमिलरली 6 kg यहाँ। तो ये होल्डर्स भी आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं एट द इन द बूट। बूट में आपको अगर यहाँ कुछ भी लटकाना है, मैंने अभी तक तो इसको एज सच यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा लगेज जो हिसाब से होता है हम सब कुछ इतने में आ जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे 3 kg तक का कोई भी सामान लटकाना है तो आप यहाँ पे इसे लटका के आराम से ले जा सकते हैं। और आपको ऐसे टोटल 4 पूरे बूट में मिलते हैं, तो टोटल हो गया 12 kg आप सिर्फ गाड़ी के बूट में लटका के सामान लेके जा सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, बूट के अंदर लगेज लटकाने के लिए आपके पास 12 किलो की कैपेसिटी है और केबिन के अंदर आपके पास कम से कम, आप नहीं बोलोगे तो भी आपके पास 4 हो गए, ये एक वो 5, ऑलमोस्ट 10 किलो कैपेसिटी आप केबिन के अंदर सिर्फ हैंग करके लेके चल सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपको सिर्फ टाटा नेक्सॉन में होल्डर्स के थ्रू मिल जाती है। तो गाड़ी को अगर आप पूरी तरह से लोड करके भी लेके जा रहे हैं तो भी आपको गाड़ी की ड्राइव और गाड़ी को हैंडल करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी को मुंबई से बैंगलोर लेके आया हूँ और ये जो जर्नी थी ये हमने ऑलमोस्ट 1.5 या 2 days में कंप्लीट करी थी और हमारी गाड़ी पूरी तरह से पैक होके आई थी।
और स्टिल इतने ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स हो गए थे और इतने डिस्टेंस के बावजूद गाड़ी ने जो परफॉर्मेंस दिया था और एवरेज दिया था और हैंडलिंग जो हुई थी गाड़ी की पूरे हाईवे पे वो फिनोमिनल थी। मतलब इस तरह की हैंडलिंग मैंने किसी गाड़ी की इतने लंबी जर्नी के लिए नहीं देखी है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।